सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी, क्योंकि बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए और बहुत ही युवा लड़के भी यहाँ पर आए। जैसे कि आपको संजीव चौहान जी ने बताया कि हमारे यहाँ आने का क्या मकसद था, तो उन्होंने मेरे बारे में भी बताया। मेरा नाम डिंपल पांचता जी, मैं रोहू के ब्राल गांव से हूँ। तो आज जो ये प्रूनिंग कैंप या जो ये ट्रेनिंग या ये नई जो मॉडर्न टेक्निक्स है, क्या हम इनके साथ चल रहे हैं? हम इनसे पीछे हट रहे हैं? हमारी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? आप सभी लोगों को पता होगा जी, आज का जो युग है वो बड़ा कंपटीशन का आ गया है, और जो हमारी बागवानी है वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है। एक उम्मीद मैं आप लोगों से करूंगा कि जी आज आप अपने क्वेश्चन क्लियर करेंगे, पूछेंगे, और जो हमारी अपने लेवल की जानकारी होगी वो हम आपको देंगे। तो ये यहाँ पर जी एक क्वेश्चन पूछता हूँ जी, पहले मैं आप लोगों से, आप लोग प्रूनिंग ट्रेनिंग न्यूट्रिशन के बारे में जानते या सुनते हैं? कहाँ से सुनते हैं आप लोग सबसे ज़्यादा इसके बारे में प्रोग्राम को? तो बोर्ड से के ही चलता है जो आपके प्रोग्राम में है। पहले तो आप लोग जानते जी मेरे को, हमारे को फॉलो कर रहे हैं, फायदा हो रहा कि नुकसान हो रहा? फायदा हो रहा, अभी तो स्टार्टिंग है, दूसरी साल है। पहले तुझ में उम्मीद करूंगा कि आप लोग फ्रेंडली होके क्वेश्चन पूछेंगे, कोई वो नहीं है यहाँ पे ना जी, तो अच्छा लगेगा मुझे अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लोग चलो फॉलो करें जी, आज सोशल मीडिया की ही वजह से जो रेवोल्यूशन आई है ना, वो सबसे ज़्यादा आई है। तो वैसे अगर आप लोग मेरे को जानते तो आपने देखा होगा कि मैं अपने इस सोशल काम में ही व्यस्त रहता हूँ। आज इस साल का शायद ये मेरा आखिरी कैंप है जी, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि जी आज हमारे CM साहब के घर पर हम ये कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जी पिछले 2 महीने में मैं लगभग 75 से 80 कैंप कर चुका हूँ, और जो ये हम प्रूनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते। अगर आप जानते हो नहीं हमारे को, सारा खर्चा हमारा अपना होता है, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ जी, कि अभी हमारी इंडस्ट्री पास है कि फेल है? फेल है जी, 99% फेल है। क्यों? उसके पीछे भी मैं आपको रीजन देता हूँ। 2010 में हमारी प्रोडक्शन लगभग 6 करोड़ बॉक्स की थी, और आज 2019-20 हो चुका है, और आज हम 2.5 करोड़ के बॉक्स के आसपास ही घूम रहे। तो पास हुए कि फेल हुए? फेल हुए ना जी। तो इसके क्या क्या कारण रहे वो मैं आपको आज बताऊंगा। इसके पीछे जो सबसे बड़ा फेलियर रहा जी हम सबका, हमारा प्रोफेशनलिज्म, हम लोग अपने काम के प्रति प्रोफेशनल है जी। आप प्रोफेशनल अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दे, तो सबसे बड़ा जो मेरे अपने व्यूज है कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, सबसे पहला तो होता है जी इन्वायरमेंट। एक तो हमने अपना इन्वायरमेंट खराब कर दिया। अगर इन्वायरमेंट खराब हो गया जी, तब तो चंडीगढ़ में भी सेल उतरेगा। तो कहीं ना कहीं जी हमारे को अपने क्लाइमेट के प्रति जागरूक होना पड़ेगा कि हमने जंगल को बचाना है जिससे हमारा इन्वायरमेंट बढ़ा है, क्योंकि यही हमारे पास पूंजी है जी, तभी सेल पॉसिबल है। दूसरा आता जी हमारा प्रूनिंग और ट्रेनिंग मैनेजमेंट। सारे लोग प्रूनिंग और ट्रेनिंग करते हैं, पिछले 100 साल से ऊपर हो गया जी हमारी बागवानी को, और अगर आप स्थिति देख रहे हो ना जी, आती है जी आप लोगों से प्रूनिंग या मजदूर से जिससे आप कराते हैं? भाई जी, काम करना और जानकारी उसके बारे में होना बहुत फर्क है। उस जिससे आप प्रूनिंग करते या खुद आप प्रूनिंग करते, क्या हमारे को ये पता कि हम प्रूनिंग क्यों करते हैं? क्यों करते जी प्रूनिंग, पता है? क्वेश्चन है ये आपसे, पूछो पूछो, बोलो बोलो, होना चाहिए जी पता। हमारा हमारा फेलियर यही शुरू होता है। कोई भी काम हम करते हैं, हमारे को पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं। हमारे यहाँ चलते जी टुक्का फार्मिंग, समझते आप? पड़ोसी ने क्या डाला, दादाजी ने क्या सिखाया, पिताजी ने क्या सिखाया, बहुत बढ़िया बात है, इंडस्ट्री उन्हीं की है, मगर हमने उसमें एक्स्ट्रा क्या किया, कहीं ना कहीं कमी रखी थी। अगर आप प्रूनिंग ट्रेनिंग की बात करेंगे, तो जो हमारे बुजुर्ग थे उनके पास तो कैंची नहीं थी,
फिर कैसे इतने बड़े पौधे हो गए, वो तो कोई प्रूनिंग नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं जी रोल होता है प्रूनिंग ट्रनिंग का बहुत ही, जितने भी फॉरनर आते हैं अंग्रेज आते हैं वो ये बताते हैं कि 80% तक जो तो आपका पौधा है वो प्रूनिंग और ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। तो मेरे तो जी प्रोग्राम होते रहते हैं, कई प्रोग्राम में कई एक्सपर्ट लाए गए एरिया के, प्रूनिंग एक्सपर्ट, जैसे मेरा कोई प्रूनर है वो एक्सपर्ट है या एरिया का कोई है। तो जब मैंने कैंची पकड़ी, हाथ ऐसे, टांगे ऐसे कांप रही, टहनियां नहीं काट सके, आप समझ सकते स्थिति को, उनको जानकारी नहीं है कोई तो नहीं काट रहे, क्यों काट रहे, किस लिए प्रूनिंग की जाती है। और जो ये प्रूनिंग और ट्रेनिंग का सेशन हम बगीचे में करेंगे बाद में ना जी, एक आप लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे, क्या सुधार हो सकते हैं, कहाँ हम पीछे हैं, उससे उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण आता है जी हमारी सॉइल। क्या आप लोगों को ये पता कि हमारी मिट्टी को क्या चाहिए, जहां आपका बगीचा लगा है आपका पौधा मांग क्या रहा है जी, पता आप लोगों को, आपको ये पता जी पौधों के लिए क्या क्या जरूरी होता है। हम सबको पता जी पौधों के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है, नाइट्रोजन, सुपर और पोटाश। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, आपको पता है या हमारे को पता है नहीं है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है तो कौन से है, कैसे वर्क करेंगे, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपसे आती है या हमारे साथ नहीं आती, हमारे से कुछ नहीं आता है, हम कुदरत नेचुरली हमारे को आ रहा है, मतलब खुद ही लग रहे हैं सेम ना जी। तो अगर आप सबको पता होगा जी हिमाचल की प्रोडक्शन 7 से 8 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है, जो सरकारी आंकड़ा बताता है, हम नहीं बताते, हमारे को नहीं है पता। 7 से 8 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर का मतलब है लगभग 12.5 बीघा में हम अपने जो बड़ा बॉक्स होता है 300 से 350 पेटी उतार दें। अगर 12.5 बीघा में आप 300 पेटी 350 पेटी उतारते हैं, क्या इससे परिवार का खर्चा चल पड़ेगा, चलेगा जी, फेल हो गए ना जी। और इसी के बीच में अगर हम बाहर देशों की बात करें, उनकी 50 से 60 मीट्रिक टन तक प्रोडक्शन है, सुना होगा आपने कि कितनी प्रोडक्शन है, क्यों है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी कमी आई। अब इसी के विपरीत में थोड़ा सा अपने और संजीव चौहान के बारे में बता देता हूँ कि जी हम भी सेब उगा रहे, तो इस वक्त इनका भी आपने सुना मेरा भी सुना, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस वक्त 60 से 70 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर तक ले रहा हूं। अगर हम ले रहे हैं ना जी, तो आप लोग क्यों नहीं ले रहे। अब ऐसा तो नहीं कि हमारे बगीचे कहीं अलग ही उसमें कहीं हवा में ऊपर होने, इन्वायरमेंट भी वही है, जगह भी वही है, मिट्टी भी वही है, सबका एक जैसा है। तो आप लोगों को ये फोकस करना जी कि ये लोग या हम लोग या जो अदर प्रोग्रेसिव फार्मर हो कैसे प्रोडक्शन ले रहे हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें। तो इसके बाद जो चर्चा का विषय चलेगा उसमें ये क्वेश्चन भी आएंगे, हम भी आंसर देंगे कि सेब के लिए कैसे लगेंगे, क्या आप मेहनत कर सकते हैं, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या होगी। तो सबसे जरूरी है जी, मैंने आपको बोला था सॉइल, उसके साथ साथ सबसे जरूरी तो है कि आपको अपनी मिट्टी की जांच करनी होगी। पौधे को चाहिए सुपर, आप डाल रहे हैं नाइट्रोजन, पौधे को चाहिए पोटाश, आप डाल रहे हैं सुपर, ऐसा ही हो रहा है ना जी। सबसे जरूरी है आपको अपनी मिट्टी की जांच करनी है, जिस चीज की जरूरत होगी वही। कितने लोगों को पता जी कि आपका पीएच क्या, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच क्या चीज है जी, पीएच का क्या लेना देना है, पीएच का ये लेना देना है जी, अगर आपका पीएच सही नहीं होगा तो आपके न्यूट्रिशन की अपटेक नहीं होगी। मिट्टी में सब कुछ है मगर पहुंचेगा नहीं। मान लो डाउन अम्लीय और क्षारीय दो तरह की होती है, एक न्यूट्रल होता है हिंदी और सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, एसिडिक एल्केलाइन होती है ना जी। तो जो पीएच न्यूट्रल होता है जी वो कितना होता है, 7। अगर जो सेब के लिए रिसर्च हुई है या सेब के लिए जो आइडियल पीएच माना गया वो 5.5 से लेकर 6.5 के बीच माना गया, अगर 5.5 भी है फिर भी चल पड़ेगा। होता क्या जिससे नुकसान और फायदे, मान लो पीएच डाउन हो गया, आप कोई चीजें डाल रहे हैं, कई चीजें तो बहुत मात्रा में पहुंच जाएगी मगर कई चीजें ऊपर पहुंचेगी, इसीलिए पीएच का होना बहुत ही जरूरी है। कितने लोगों को पता होगा जी ईसी कितना है हमारी लैंड, ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है हमारी लैंड, चलो बाकी तो सेकेंडरी है। तो कहीं ना कहीं जी आप लोगों को अपनी मिट्टी की जांच से अपने बगीचे की शुरुआत करनी है कि आपकी मिट्टी का पीएच क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद आता है जी आपका पौधा, जो प्रूनिंग और ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा बनाएंगे।
तो अगर यही प्रूनिंग का था थोड़ा से पार्ट बोलूं, प्रूनिंग हम इसलिए करते हैं कि एक अच्छी कैनोपी मैनेजमेंट हो, सन पेनिट्रेशन हो। ट्रेनिंग का आप आइडिया ले सकते हैं कि पौधे को हमने ऐसे ट्रेन करना है जिसमें कम से कम प्रूनिंग की आवश्यकता, जिस ओर हमारा ध्यान ही नहीं है पूरी दुनिया में जी। ट्रेनिंग फर्स्ट, प्रूनिंग सेकंड, और हम लोग क्या करते हैं, प्रूनिंग से शुरू, प्रूनिंग से पेड़ को मार दे। कितने लोग मानते हैं जी प्रूनिंग से पेड़ छोटा बनता कि बड़ा? छोटा बनता जी, चलो मगर मैक्सिमम से बोलते हैं बड़ा बनता है। 6 फुट की ग्रोथ 6 इंच से काट देंगे, लोग बोलेंगे बड़ा बना रहे हो। कब के लिए बनाएंगे? आज आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, रूट स्टॉक से रिलेटेड, वैरायटी से रिलेटेड, जितनी भी आपके क्वेश्चन होंगे। तो वैसे जी आप लोग सेब की मेहनत कब से शुरू करते हैं? आजकल फरवरी मार्च से लगभग, फरवरी मार्च से सोचते हैं कि भाई इस साल तो सेब लगनी चाहिए जी भाई, अब तो बड़ी जरूरत है इस साल, मेरे को शादी भी करानी थी जी, घर भी बनाना था, इस साल तो लगने लगने थे। और यही सोचते सोचते जी हमने अपनी जिंदगी के बहुत साल वेस्ट कर दिए कि इस साल नहीं अगली साल लग जाएगी, यही सोच रहे ना कि हम कहीं ना कहीं आपको आगे आना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। तो जो मेहनत की शुरुआत होती है जी आपकी फरवरी से शुरू होती है, मार्च से शुरू होती है, मगर यहाँ आप जो मर्जी करो उसका आपकी आने वाली फसल से कोई लेना देना नहीं, ये सेब लगे जबकि नहीं लगे, इन्वायरमेंट है वो अलग है। सबसे जरूरी जो मेहनत आपकी शुरू होती है जी वो होती है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इसी कड़ी में जी मैं अपने न्यूट्रिशन पे भी बोलूँगा जो जो, और स्टेप वाइज आपको पूरी साल का एक शेड्यूल मैं आपको बताऊँ। तो जो आपकी मेहनत शुरू होती है जी वो होती है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सेब तोड़ने के बाद आपकी अगले फसल की तैयारी। उसके लिए जी जैसे आप सेब सीजन फारिग करते हैं उसके बाद आपकी मैनेजमेंट होनी चाहिए आगे की, जो सबसे जरूरी है, पूरी साल की मेहनत वहां डिपेंड करती है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है जी आपने सबसे पहले अपने बगीचों के पत्तों को बचाना, ऐसा ना हो कि आपके सेब तोड़ के फारिग हुए पौधों में पत्ते ही नहीं है, फिर क्या करेगा, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है जी मैनेजमेंट करनी। तो पत्तों का होना बहुत जरूरी है, आपको सबको पता है प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी से आपका भोजन बनता है, नीचे आएगा अपटेक होगा, अगर पत्ते नहीं होंगे तो कैसे अपटेक होंगे। तो एक माँ होती है जी जब वो बच्चे पैदा करती है, आप लोग उसकी मेहनत उसकी सेवा कब ज्यादा करते हैं, बच्चे होने से पहले या बच्चे होने के बाद? आप लोग ज्यादा करते हैं, पहले तो सिर्फ सारी असली मेहनत होती है क्योंकि उसके बाद लालच होता है ना, जनरेशन चल पड़ी। तो जो बाद की बात होती है जी, एक पौधा तो आप मां की तरह समझो, उसने कितने बच्चे दिए होने, कितनी एनर्जी लगी होनी उन पौधों को देने में, बड़ा करने में, फूल से लेकर, क्या आपने उसको वापसी दिया? कुछ कुछ नहीं दिया। हम पहाड़ी लोग कैसे होते हैं, सेब के पैसे वैसे तो आधे आड़तियों के बाहर रह जाने, जिसके आगे वो सोचेगा कि गाड़ी खरीदूं, घर बनाऊं, शादी करूं। कभी आपने ये सोचा कि अगली साल के सेब कैसे लगे, उसकी तैयारी करूं कि नहीं करूं? जो आपकी जो पहली मेहनत होनी चाहिए जी वो होनी चाहिए अगले सीजन की, गाड़ियां तो खरीदते रहेंगे, यही हमारा फेलियर शुरू होता है। जो आपने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करनी है उसकी कड़ी में सबसे पहला काम है सेब तोड़ के तुरंत आपको एक स्प्रे करना। स्प्रे में क्या डालना है? स्प्रे में सेब तो खत्म है जी, पौधे ने जितने माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऊपर लिए है वो फ्रूट के लिए लिए, पौधे का काम क्या है जी? आपको सेब देना, बीज तैयार, अपना बीज तैयार करना, अपनी जनरेशन को डेवलप करना। आपने देखना इतना बड़ा सेब लेना और इतना छोटा सेब लेना, काट के देखेंगे बीज का साइज बराबर होता है ना जी, इसका इसीलिए पौधे का काम होता है बीज बनाना। जब वो प्रोसेस खत्म हो गया बीज बनाने का, आपने सेब प्लक कर दिया, तोड़ दिया आपने सेब, बेच दिए, तो उसके बाद जो एनर्जी हुई उसको रिफिल करना। सबसे अच्छी फंगिसाइड करनी होती है जी, आपने देखा होगा सेब जहां से आप तोड़ते हैं ना घाव पड़ता ना एक बीमे के साथ, और उसी बीमे के साथ एक या दो नया बीमा भी होता छोटा सा,
होता ना जी बना हुआ, वही जो दो एक और दो बीमा है वो अगले साल के बीमे आपके, जिसको आपने तैयार करना है अगले साल के लिए, वही तैयार होगा वो। उसके लिए क्या होगा जी, जैसे आपने तोड़ा जहां घाव पड़ा, फंगस समझते हैं ना आप, सारा सारा खेल फंगस का है, चाहे मिट्टी की है चाहे बीमारियां है, सारी फंगस से लेती है, चाहे रस्टिंग तक है, फंगल डिजीज है रस्टिंग की, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, हर चीज फंगल है। तो जो फंगस होती है वो उस घाव को ऊपर जाके, सेब सुना आपने जो भोजन चलता खाने का, जो सेब वहां आता है वो उसके बाद आता है उन दो बीमों को मिच्योर करने के लिए, सेब तोड़ने के बाद जो जो ये सकिंग पेस्ट होते हैं चूसने वाले जो फंगस होती है वो वहां पर उस सेब को सक करना शुरू करती है, चूसना शुरू करती है। जो भोजन उन बीमों को जाना चाहिए था वो कहां गया, फंगस खा गई, फंगस का अटैक हो गया। तो इसीलिए आपको एक अच्छी फंगिसाइड करनी, फंगिसाइड में कॉपर सबसे अच्छी रहेगी सेब तोड़ने के बाद। कॉपर के तीन रूप है, एक जो मिलत होता आप जो करते हैं कॉपर हाइड्रोक्सोक्लोराइड, जो आप एक ब्लाइटॉक्स लाते हैं हॉर्टिकल्चर वगैरह से, एक आता जी कोसाइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो कोसाइड है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कॉपर और सबसे अच्छी मानी जाती है, थोड़ा सा महंगा है मगर अच्छा है। और केमिकल की बात करें तो सॉइल में आप जब रूट रॉट और कॉलर रॉट की ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए कोसाइड नंबर वन है केमिकल में। वैसे उसका स्थाई इलाज केमिकल नहीं हो सकता जी, उसका स्थाई इलाज आपको बायो में ही जाना पड़ेगा, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे बाद में, अभी मैं अपना शेड्यूल आगे को बताता हूँ। तो आपने कॉपर हाइड्रोक्साइड डालना है, उसके साथ 2 kg यूरिया स्प्रे में, उसके साथ आपके जिंक बढ़ना चाहिए, साथ में मैग्नीशियम, साथ में बोरिक एसिड। जब आप ये चीजें डालेंगे तो पत्ता और जो बीमा है वो अपने पास उसको स्टोर कर देगा अगली साल को, ठीक है जी। ये मैनेजमेंट करनी ही करनी। इसके साथ साथ आपने खाद डालनी, एक ऐसी खाद जिसमें नाइट्रोजन सुपर पोटाश के साथ सारे आपके माइक्रो पोस्ट हार्वेस्टिंग में। और एक चीज याद रखना जी, बोरोन और बोरोन दोनों में पर जो बोरोन